प्रशांत, क्योंकि आज तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के सभी तमाम मंत्री संतरी नेता उसी में व्यस्त होंगे। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि जो खिलाड़ियों के मन की बात है, जो उनका दर्द है, वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। जब हमने देखा था, जब जनवरी में ये खिलाड़ी धरने पे बैठे थे तो खेल मंत्री बार बार मिल रहे थे, मीटिंगें हो रही थी, कमेटी बनी थी, लेकिन इस बार जब खिलाड़ी आए हैं कोई मिल नहीं रहा, किसी तरह से कोई बयान भी नहीं आ रहा है खिलाड़ियों के पक्ष में कि धैर्य रखिए, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। क्या नजर आ रहा है सरकार का नजरिया इस पूरे माहौल पे? देखिए रवि, आप ठीक बात कह रहे हैं। यहाँ पे पूरा जो है माहौल जो है मन की बात का है, बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री को सुनेंगे। लेकिन जहाँ तक बात खिलाड़ियों का है, खिलाड़ियों के धरने का है, उनके आरोप का है, कुछ इस पे पार्टी के तरफ से बहुत ज़्यादा मुखर होकर कोई बात नहीं कर रहा, अब बात नहीं कर रहा है। लेकिन ये पूरी स्थिति जो आपने कहा कि पहले और आज की स्थिति ये है कि उस वक्त जब सरकार इंटरवीन कर रही थी, बात कर रही थी, तो मामला सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित था। खिलाड़ी धरने में बैठे थे, सरकार ने इंटरवीन किया। हालांकि खेल मंत्रालय के डायरेक्ट फेडरेशन पे कोई आधिकारिक रूप से इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन सरकार ने इंटरफेरेंस किया, एक आउटसाइड कमेटी बनाई और वो बात की, उसकी रिपोर्ट दी जो सार्वजनिक नहीं की गई। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये कि दूसरी बार ये भी धरने में बैठे तो अब ये मामला सिर्फ पहलवानों तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें पूरी तरीके से राजनीति प्रवेश कर गई है, राजनीतिक मुद्दा उसको बना दिया गया, हर पार्टी वहाँ पे पहुँच गई है। तो अब जो है ये लड़ाई पहलवानों की मतलब कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहलवानों के बीच न करके राजनीतिक लड़ाई बदल गई है, और इसका फैसला मतलब हार जीत जो भी होगा उसका राजनीति पे असर पड़ेगा। और ऐसे में जब मामला राजनीति हो चुका है, पूरी तरीके से सियासत इस पर चढ़ गई है, तो उस पर अब चूंकि जाहिर सी बात है कि मामला ऐसा है, इतना संवेदनशील है, इतना संगीन है कि कहीं ना कहीं चुप्पी इस बात का संकेत देती है कि खुल के बोलने की स्थिति में मतलब सरकार या बीजेपी नहीं है। उसकी वजह यह है कि या तो सबसे पहले ऐसा होता कि बृजभूषण शरण सिंह खुद इस्तीफे की पेशकश कर देते, या बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के पुलिस मुकदमा इस पर दर्ज कर लेती, तब इतना हो हंगामा नहीं होता, आगे कार्रवाई होती। ये चीज़ें नहीं हुई, और अब जो है चूंकि एक ऐसा मौका मिल गया कि सुप्रीम कोर्ट कहने के बाद इसमें केस रजिस्टर हुआ, अब इसमें कितना फैक्ट है, कितना फैक्ट नहीं है, कितनी राजनीति है, ये सब जांच का विषय है। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में तो बैकफुट पे मतलब सरकार आ जाती है, लोग आ जाते हैं, लेकिन उसमें जाँच तो अब होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया है, तो ये लड़ाई जो है राजनीतिक हार जीत में तब्दील हो जाएगी। और दूसरी बात कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा, जो ऐसा समझने सुनने में लग रहा है कि बृजभूषण शरण अपने आप में एक छोटी सी सरकार है जहाँ पे उनका प्रभुत्व है, तो वो क्या कंप्रोमाइज़ होने का डर है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो क्या वहाँ बृजभूषण सिंह नाराज हो सकते हैं, या उससे कोई दिक्कत हो सकती है, निकाय चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये एक बात समझी जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले जो बात कार्रवाई हुई थी, अब दूसरे हिस्से की कार्रवाई पूरी तरीके से मतलब ये पूरा मामला राजनीतिक हो चुका है, तो ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इसको वेट एंड वॉच की स्थिति की तरह से चल रहा है। तो सरकार फिलहाल वेट एंड वॉच की